कृष्ण के एक शिष्य ने कृष्ण से पूछा, आजकल सभी लोग आत्मविश्वास के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं, जो कि मेरी समझ के बाहर है। किसकी बात को मैं सही मानूं, कैसे समझूं कि इसके लाभ क्या हैं? आप मुझे विस्तार से इस बारे में बताइए। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनके बगल में खड़ी होकर उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। आत्मविश्वास एक खास गुण है जो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मविश्वास को समझने के लिए और इसे विकसित करने के लिए आदमी को अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव लाने होते हैं। जो बदलाव लाने के लिए तैयार होंगे उन्हें मैं यही कहूंगा कि इसे बारीकी से समझना पड़ता है। एक इंसान अच्छाई और बुराई के मेल से बना होता है। शुरुआती दिनों में किसी से कोई भी गलती हो जाती है जिसे आगे चलकर हमें सुधारना चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान में कुछ न कुछ अलग करने की क्षमता होती है जिससे वह दूसरों से अलग होता है। इसलिए हमें अपने गुणों को पहचानना और उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके सफलता की ओर बढ़ते हैं। समझे तुम लोग? अभी देखो बादल कैसे आकाश में मंडरा रहे हैं। इनकी क्षमता पर किसी को संदेह है? बिल्कुल नहीं गुरुजी, ऐसे काले मेघ तो मैंने बरसों बाद देखे हैं। लगता है बारिश होने को है। अरे ये देखो, बारिश शुरू हो गई। तभी पूरे इलाके में झमाझम बारिश गिरने लगी। सभी शिष्य तितर बितर हो गए। हर किसी के अपने अपने काम थे। सत्यभामा भी दौड़कर घर की तरफ भागी। श्री कृष्ण भी घर की तरफ लौट गए। घर पहुंचते ही सत्यभामा ने गीले कपड़े बदल लिए। जब कृष्ण भी कपड़े बदल के लौटे तो सत्यभामा ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और साथ बैठकर बारिश का आनंद उठाने लगी। दोनों काफी देर तक आसमान में फैले काले मेघ देखते रहे। सत्यभामा कई दिनों से एक बात कहना चाहती थी। आज जब उसे मौका मिला था तो ये मौका अपने हाथों से कैसे जाने देती? उसने कृष्ण से अपने मन की बात कही। हे कृष्णा, हम भी जानना चाहते हैं कि आत्मविश्वास क्या होता है और हम अपने आत्मविश्वास को कैसे मजबूत बना सकते हैं। कृपया हमें आप अपने अनुभव से ये बताएं, मुझ में आत्मविश्वास है कि नहीं? हाँ सत्यभामा, ये एक गुण है जो हर इंसान में होता है। ये भेदभाव नहीं करता है, सब में बराबरी से होता है। ये हमें खुद पर विश्वास करने की हिम्मत देता है। ये हमें अपनी क्षमताओं को स्वीकार करने में मदद करता है। जैसे कोई आदमी चाहे तो पहाड़ काटकर रास्ता बना सकता है, कोई चाहे तो पथरीली जमीन को खेती करने लायक बना देगा, कोई चाह भर ले तो खूंखार जानवर को साध कर उसकी सवारी कर सकता है। ये सब सिर्फ आत्मविश्वास से ही हो सकता है। मतलब हमें अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए और उन पर ध्यान लगाना चाहिए, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुमने सही कहा सत्यभामा, यदि हम अपने गुण पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम अपने आत्मविश्वास का विकास करेंगे। एक और तरीका है कि हमें अपने डर से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। हमें अपने डरों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। जब हम अपने डरों का सामना करेंगे तब भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ मैं समझती हूँ, पर डर का सामना करना आसान नहीं होता है, कोई कैसे सामना करेगा? सत्यभामा, किसी भी डर का सामना करना आसान नहीं है। डर ने हर इंसान के मन में गहरी जगह बना ली है। इस डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए हमें अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत की देखभाल करनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम, सही खानपान, पर्याप्त आराम और ध्यान के अभ्यास से इसे हराया जा सकता है। एक बार तुम मेरे बताए गए रास्ते पर चलकर देखो तो तुम जल्दी ही डर पे जीत पा जाओगे। लेकिन लोग डरते हैं
कि वो असफल हो गए तो उनका क्या होगा। ये डर जंगली जानवर के डर से बड़ा डर है कि लोग क्या कहेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो कृष्णा, असफलता को कैसे स्वीकार करें और उसे अपनाएं? असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे हम अपनी सफलता पर गर्व करते हैं, उसी तरह हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम असफलता को हार समझ बैठते हैं। हार को बस एक छोटी कोशिश का हिस्सा समझना चाहिए। ऐसा करना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर तुम ऐसा कर पाए तो इससे तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कृष्णा। मेरे पिताजी कहते थे, आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक और तरीका है कि हमेशा सफलता और जीत की कल्पना करने की आदत डालना। हमें जीत की कल्पना करनी चाहिए और उसे वास्तविकता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। हाँ सत्यभामा, हमें खुद को सफल होते हुए देखने की आदत डालनी पड़ेगी। सफलता की तस्वीर बनाकर और उसे अपनी सोच और कार्यों में लाना पड़ेगा। इससे हम आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम सफल जीवन जी सकते हैं। देखो, हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, और असफलता की कल्पना करना हमें सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अब आप ये बताओ कि सफलता की कल्पना करने के लिए क्या करना चाहिए? सफलता की कल्पना करने के लिए हमें अपने मन की आंखें बंद करके अपनी सफलता की कल्पना करनी चाहिए। हमें ये विचार करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं और उसे महसूस कर रहे हैं। जैसे ही हम इस कल्पना में जीना शुरू करेंगे, हमारा मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सफलता या जीत की कल्पना करते समय हमें ये भी समझना चाहिए कि कैसा महसूस होगा जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें कितनी खुशी होगी, जीतने का सुख कितना मजेदार होगा। हाँ कृष्णा, और जब हम जीत की कल्पना करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार अपना काम करेंगे और हम कैसी मेहनत करेंगे ताकि हम अपने सभी लक्ष्य को पा सकें। इससे हमें ये विश्वास होगा कि हम सफल हो सकते हैं और हमारी मेहनत और लगन इसे संभव करेंगी। ठीक कहा। हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता की कल्पना करने से हमारी सोच और समझ पूरी तरह से बदल जाते हैं। हम अपने लक्ष्य को साफ साफ देखने और अनुभव करने लगते हैं, जिससे हमें उसे प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हाँ कृष्णा, सफलता की कल्पना करने से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। हमारा मन और आत्मविश्वास मजबूत होता है, जिससे हम डर और चुनौतियों से लड़कर जीत सकते हैं। जिसने मन में ये ठान लिया हो कि उसे कोई नहीं हरा सकता। हमें यह समझना चाहिए कि जीत की कल्पना करना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें सफलता की कल्पना करने की आदत बना लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना देना चाहिए। धन्यवाद कृष्णा, आपके बताए गए आदर्श और उपयोगी तरीके से जीत की कल्पना करना मुझे आत्मविश्वास और सफलता की ओर बढ़ाने में मदद करेगा। मैं इन तकनीकों को अपने जीवन में अपना कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करूंगी। सत्यभामा ने आखिर में कृष्ण से धन्यवाद कहा और अन्य कुछ जरूरी शब्द भी कहे। मैं अब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहूंगी और सफलता की कल्पना करती रहूंगी। आपके बताए रास्ते पर चलूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूंगी। मैं क्या कोई भी इस रास्ते पर चलकर जीवन में वो सब प्राप्त कर लेगा जिसकी वो कल्पना कर रहा है? मैंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि सब कुछ होते हुए भी मुझे किसी चीज को पाने की इतनी जरूरत पड़ेगी। कई बार शांति भी ढूंढने से नहीं मिलती है, शांति की कल्पना से ही हम शांति को पा सकते हैं। अशांति ने आजकल मेरे जीवन को नरक बना दिया था। खामखा परेशान हो जाती थी, पर जब से आपके बताए रास्ते पर चली हूँ, मैंने जीवन को किसी दूसरे नजरिए से देखा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद मिला है। सत्यभामा की तरह
हमें भी कृष्ण की बताई आत्मविश्वास की बातों को मानना चाहिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर रखना चाहिए। उससे भी हम इस प्रतियोगिता भरे दौर में कुछ कर सकते हैं।